ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं WWE की कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स, जहां पर हम बात करेंगे द रॉक के बारे में, जिन्होंने टीज किया है WWE में अपना रिटर्न। इसके अलावा फॉर्मर डीवा के काफी लंबे टाइम के बाद WWE में रिटर्न के बारे में, और पॉल हेमन के न्यू रोल के बारे में जो कि उन्हें बैक स्टेज मंडे नाइट रॉ पर मिला है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं WWE की फॉर्मर डीवा सुपरस्टार के बारे में। एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोग इस सुपरस्टार का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि कैटलिन है। तो WWE की तरफ से बात ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि 2018 का जो मे यंग क्लासिक का एडिशन होने वाला है, वहां पर पार्टिसिपेंट कंफर्म हो चुके हैं, जो कि है कैटलिन। और कैटलिन काफी लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से हमें WWE में कम्पीट करती हुई दिखाई देंगी। वैसे आपको बता दूं, कैटलिन मेन रोस्टर में नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी मे यंग क्लासिक के टूर्नामेंट में होगी, जिसके चलते आने वाले टाइम में इस बात की पूरी उम्मीद है कि हमें कैटलिन मेन रोस्टर में आती हुई दिखाई देंगे, जो कि उनके फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है पॉल हेमन से। तो आप लोग जानते हैं पॉल हेमन का इस समय WWE में रोल क्या है, वो ब्रॉक लेस्टर के मैनेजर हैं, और जब जब हमें ब्रॉक लेस्टर देखने को मिलते हैं तो उनके साथ वहां पर पॉल हेमन भी मौजूद होते हैं। लेकिन आपको बता दूं, हाल फिलहाल में यहां पर पॉल हेमन बैक स्टेज मंडे नाइट रॉ पर एक और काम कर रहे हैं, और वह वहां पर वो राइटिंग लिस्ट में शामिल है। मतलब WWE जो भी चीज राइट करनी होती है उसमें पॉल हेमन का भी हाथ होता है। और रिसेंटली जो रॉ का एपिसोड था, जो कि गो होम एडिशन था एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू के लिए, वहां पर जो ओपनिंग सेगमेंट था बॉबी लेस्ली एंड रोमन रेंस के बीच, वहां पर भी उस पूरे सेगमेंट में राइट करने में पॉल हेमन का भी हाथ था। तो कह सकते हैं यहां पर ऑन स्क्रीन तो हमें पॉल हेमन ब्रॉक लेस्टर के मैनेजर देखने को मिलते हैं, लेकिन बैक स्टेज पॉल हेमन काफी इंपॉर्टेंट रोल इस समय WWE के अंदर प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़े द रॉक से। तो आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों को द रॉक का काफी लंबे टाइम से इंतजार होगा, और वक्त भी काफी लंबा हो चुका है कि हमने रॉक को WWE के टीवी पर देखा हो। लेकिन आपको बता दूं, रिसेंटली रॉक का इंटरव्यू है जहां पर WWE ने उन्हें अप्रोच किया उनके रिटर्न को लेकर, तो यहां पर काफी अच्छी अपडेट दी है, जो कि द रॉक के फैंस के लिए भी काफी अच्छी चीज है। यहां पर रॉक ने बताया कि वो काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि वो कब WWE में वापसी करें, और वो इस चीज का वेट नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पर रॉक ने WWE की काफी तारीफ करी। उन्होंने कहा कैसे WWE में काम करना काफी अच्छा है। उन्होंने कहा जब मैं रिंग में जाता हूं, चाहे हम रेसल करें या फिर हम प्रोमो दें, और उस दौरान ऑडियंस के साथ जो हमारा कनेक्शन बनता है वो काफी अच्छी चीज होती है। तो ऐसे में यहां पर द रॉक तो काफी पॉजिटिव नजर आए WWE में रिटर्न को लेकर। अब देखते हैं कब द रॉक की हमें वापसी देखने को मिलती है, और फैंस का काफी लंबा इंतजार खत्म होता है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि द रॉक की अगर WWE में वापसी होती है तो आप उनका मैच उनकी फ्यूड के सुपरस्टार के साथ देखना पसंद करेंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।